Dear students of class 10th English grammar, we welcome you in our new session in which we are going to prepare practice sets for your UP board examination. आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके ग्रामर में आने वाले यूपी बोर्ड बेस्ड सभी क्वेश्चंस पर आधारित होंगे. आपके क्वेश्चन पेपर में ग्रामर को लेकर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, पैसिव वॉइस पर, वर्ब्स पर, प्रीपोजिशंस पर, वर्ड फॉर्मेशन पर, जंबल वर्ड्स पर. तो इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के जिसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पंक्चुएशन सभी पार्ट्स शामिल होंगे, हम एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट्स बनाएंगे. और आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो हमने तैयार किया है आपके लास्ट 10 और 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर, जो कि वो क्वेश्चन सारे जो बोर्ड में आपके आ चुके हैं. तो बोर्ड पर बेस्ड इन सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है जो प्रीवियस सेट से लिए गए हैं. टॉप 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस, हर तरह का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है जिससे आप ये समझ सकें कि अब तक जो वर्ब्स फिलिंग पूछी गई है बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 यूपी बोर्ड में वह किस तरह से आती है. तो यहाँ पर जब आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने होगा तो उस एग्जाम्पल पर बेस्ड आपको तैयारी करनी है. जब आप अपने वर्ब की तैयारी करते हैं तो जनरली आप सिर्फ इतना काम करते हैं कि आपने वर्ब लर्न कर ली तो आपको टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती. टेंसेस की होती है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता नहीं होता. सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो क्लोजेस पता नहीं होती. तो कुछ यहाँ पर हमने पर्टिकुलर सेंटेंसेस कलेक्ट किए हैं जिनमें आप जो है जेरंड का यूज़ भी सीखेंगे और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं को सीखेंगे कि कहाँ पर किस तरह की फॉर्म लगानी है. स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट है क्लास 10 के लिए, जिसके अंदर हमने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस पर उन वर्ब्स को कलेक्ट किया है. मुझे लगता है कि यदि आप इन्हें तैयार कर लें तो आपको बोर्ड के क्वेश्चंस में वर्ब वाला जो पॉइंट है उसे सॉल्व करना बहुत आसान होगा. आइए शुरू करते हैं वर्ब का ये पहला पॉइंट. आमतौर से जो वर्ब्स आपकी आती हैं आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को फिल करते रहे हैं, या कहीं पर अगर कहीं कंटिन्यूअस टेंस आपका आता है तो आप इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पहला ही ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आया है जो कि आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो अचानक से चौंक जाते हैं कि यहाँ पर हमें मेन वर्ब अवॉइड्स तो ऑलरेडी दे रखी है. यहाँ पर हमें अवॉइड्स वर्ब तो ऑलरेडी दे रखी है, फिर इस गो का क्या करें. तो ये आप बिल्कुल जान लीजिए कि कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके बाद हम आईएनजी फॉर्म का दोबारा यूज़ करते हैं, जिसे हम जेरंड कहते हैं, कभी पार्टिसिपल कहते हैं. कभी कभी इस वर्ब मेन वर्ब के बाद आपको एक दूसरी वर्ब दी जाती है जिसमें आपने 2+ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है. इसकी स्टडी हम नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत करते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम कलेक्टेड जो हमने वर्ब्स किया है उसको हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाने जा रहे हैं कि किसके किस वर्ड के बाद आपको आईएनजी लगाना है, किसके बाद आपको 2+ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, किसके बाद आपको 2+have+third form लगाना है. तो यहाँ पर आप केवल वर्ड ही याद रख सकते हैं. इनकी सारी डिटेल्स के लिए हमारे दूसरे लेक्चर्स नॉन फाइनाइट को आप प्लेलिस्ट में जाकर निकाल कर उसकी स्टडी कर सकते हैं हमारी वीडियो के थ्रू. तो यहाँ पर हमने दिया है अवॉइड. अवॉइड के बाद हमेशा आईएनजी लगाया जाता है. तो अवॉइड जब भी आप देखें आप आईएनजी लगा दें, ये आपने याद रखना है. इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की वर्ब्स और उनके बाद आने वाले जो यूजेज हैं जेरंड, पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव के, वो हम आपको अपने अगले लेक्चर्स में लगातार जारी रखेंगे. लेकिन बोर्ड में कई बार देखा गया कि अवॉइड जिसमें वर्ब यूज़ किया गया हो उसमें कोई दूसरी वर्ब बाहर दी गई होती है और उसकी फॉर्म यूज़ करने के लिए आपको दे दी जाती है. तो यहाँ पर गो दिया हुआ है, यहाँ पर गो को गोइंग कर देंगे. तो बस आपको इतना याद रखना है कि अवॉइड्स के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है. ही वॉज पनिश्ड फॉर मेक अ नॉइज. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नॉइज़ है यहाँ पर आप ए और ऐड कर लेंगे
क्योंकि नॉइज से पहले ए जरूर आता है। यहाँ पर है आपका मेक अ नॉइज, यहाँ पर आपने ए लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मेकिंग किया है। अब मेक का मेकिंग क्यों किया है हमने, हम आपको बता दें कि जब भी आपकी प्रीपोजिशन फॉर आती है तो आपको आईएनजी करना है। फॉर के बाद अगर कभी भी आईएनजी आता है तो उसका मतलब होता है मचाए जा चुके होने के लिए, इट मींस आप शोर मचा चुके थे, उसके लिए आपको पनिश किया गया। तो यहाँ पर फोर के बाद आपको आईएनजी लगा देना है। आपको ये याद रखना है जब भी कोई प्रीपोजिशन आए उसके बाद आपको आईएनजी लगा देना है। बस यही याद रखना है कि प्रीपोजिशन आने के बाद आपको आईएनजी लगा देना है। कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं जिसमें टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, या कहीं पर हम बीन भी लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन टेंथ स्टैंडर्ड पर यह सिलेबस आपका इतना ही है कि आप फोर के बाद आईएनजी लगा दें। आई शैल गो होम व्हेन इफ ही कम्स हियर, आई शैल गो होम, हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी आपके साथ आपके पास इफ वाला पार्ट आए, कहने का मतलब यह है कि इफ के साथ अगर कभी भी आपको लगता है कि आप जो है फ्यूचर टेंस यूज करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखें कि इफ के बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता। यहां पर हमने देखा आई शैल गो होम, इधर फ्यूचर है तो हम कहेंगे मैं घर जाऊंगा जब वह आ जाएगा यहां पर। तो जब आप फ्यूचर की बात सोचते हैं इफ वाले पार्ट में, इफ जिसका पहला वर्ड है उस वाले पार्ट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, और यही बात वहन के साथ भी है। तो समझना आपको यह है जब आपको एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा हो तो दूसरे पार्ट में इफ या वहन आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाएंगे। अगर आपको एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है और तो आप व्हेन और इफ जिसका पहला वर्ड है के पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर विल कम नहीं किया, ही कम्स किया है। इसके बाद हम आमतौर से जानते हैं कि हमारी जो मॉडल्स होती हैं कैन, मे, माइट, कुड, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास हैव उसके साथ जुड़ा हुआ हो, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि थर्ड फॉर्म हम वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव के बाद यूज करेंगे। इसके बाद आप के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि अपने आप में बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि विल के बाद भी आया हुआ है और विल बी के बाद आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म भी देखी होगी। तो आईएनजी फॉर्म कब लगानी है, आपको देखना है कि आईएनजी फॉर्म लगाएं या थर्ड फॉर्म लगाएं। तो ऐसा आप कैसे जांचेंगे कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएं या यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएं, तो ये देखिए कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर ये करने वाले का सेंस दे रहा है, अगर जो ये बिगिनिंग का वर्ड है नाउन या प्रोनाउन अगर ये आपका डूअर है, सब्जेक्ट है, तो आप विल बी प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट है मींस अगर ये हु का सेंस ना दे करके हुम का सेंस दे रहा है, अगर हम पूछें किसको, तो इट ने नहीं कंप्लीट किया, इट के साथ ने नहीं जुड़ सकता, इट को कंप्लीट किया जाएगा, तो को का सेंस आने पर आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। तो ये पैसिव वॉइस है, इट को कंप्लीट किया जाएगा, करेगा कौन वो पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर इट काम करता तो आप कहते इट ने कंप्लीट किया, और इट कुछ होता नहीं है, लिविंग बींग नहीं होता, इट ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर इट को कंप्लीट किया जाएगा, करेगा कौन ये पता नहीं है, तो इट ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है तो थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद है माई फादर एंड हिज फ्रेंड्स हैव बीन वॉचिंग, जो कि वॉच से हमने यहाँ पर फिल किया है, फॉर 2 आवर्स। तो जब भी आपका सिंस मंडे, सिंस संडे और आए तो, और जब आपका फॉर 2 आवर्स, फॉर अ डे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करता है।
ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी शो करता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी शो करता है, बट आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ऑप्ट करें। यहाँ पर दिया गया है माई फादर एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चकराने के लिए दिया गया है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स माई फादर को देख करके हैज़ बीन फिल कर देते, लेकिन यहाँ पर एंड जोड़ करके कुछ और नाउन के जो प्लुरल फॉर्म हैं ऐड किए गए हैं, तो इस एंड कंजंक्शन ने ऐड किया है कुछ दूसरे लोगों को, तो एक से ज़्यादा प्लुरल होने की वजह से यहाँ पर हैज़ बीन की जगह हैव बीन किया गया है, और सिंस फॉर होने पर यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन वॉचिंग हमने वर्ब फिल की है। तो इसको क्यों हैव को क्यों फिल किया, क्योंकि माई फादर एंड हिज फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड होकर आया है, और हैव बीन प्लस आईएनजी ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर फॉर दिया गया है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक इंडिकेशन है। इसके बाद हम देखेंगे ही सोल्ड ऑफ हिज कार लास्ट मंथ, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फिल करना है वर्ब बिल्ड अ न्यू वन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसे सेकंड फॉर्म समझते हैं, बिल्ड जिसमें डी आता है वह फर्स्ट फॉर्म होती है, और जिसमें टी आता है वह सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो सोल्ड ऑफ हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी पिछले महीने, एंड बिल्ड अ न्यू वन। तो जब भी आपको यहाँ पर एंड दे दिया जाए, तो एंड के साथ आपको दोनों में जो टेंस पीछे यूज़ किया है वही टेंस अगले में भी यूज़ करना है। तो आप समझ गए होंगे कि एंड बिल्ड अ न्यू वन, उसने सोल्ड कर दी अपनी कार और एक बिल्ड कर ली एक अपनी नई कार। हर टॉयज वर स्टोलन, हमने यहाँ फिल किया स्टोलन, हमें वर्ब दे रखी है स्टील, तो हमने यहाँ स्टोलन क्यों लिखा। देखिए जब भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब के यूजेज में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह की बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हर टॉयज हमने अभी पीछे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर आप ने जोड़कर ट्रांसलेट हिंदी में करें तो और वह ट्रांसलेशन सूट करें तो आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे। अगर शुरू में आने वाले इस ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है कि मैं अगर आप यूज़ करें तो अगर आप पूछें किसको और वह किसको का आंसर हो तो पैसिव वॉइस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करेंगे हर टॉयज वर स्टोलन यस्टरडे, हर टॉयज वर स्टोलन यस्टरडे। तो यहाँ पर हर टॉयज जो है वह ऑब्जेक्ट है और टॉयज जो है वह चुरा नहीं सकते, बल्कि टॉयज को चुरा लिया जाएगा। तो टॉयज को चुराए जाने की वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर पैसिव वॉइस बना लेंगे और आप लिखेंगे हर टॉयज वर स्टोलन यस्टरडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 गोल्स बिफोर हाफ टाइम, आवर टीम हैड स्कोर्ड 2 गोल्स बिफोर हाफ टाइम। तो यहाँ पर बिफोर का यूज़ हुआ है, तो जिसमें बिफोर का यूज़ हो तो आप उसके अंदर पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर के साथ आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह की बात हम केवल पास्ट की बता सकते हैं और फ्यूचर का हमें पता नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हैड स्कोर्ड ही सूटेबल होगा। इसके बाद हैव यू नेवर बीन टू दिल्ली, तो यहाँ पर हमने देखा कि बी लिखा हुआ है, बी हैव के बाद हमेशा बीन का रूप ले लेता है, तो आपको ये याद रखना है कि बी को हम बीन कर देते हैं जब ये हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव के बाद आता है। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, अभी हमने एक सेंटेंस आपको बताया था जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 था कि इफ़ और वैन वाले पार्ट में अगर फ्यूचर से रिलेटेड सेंस आता है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाते बल्कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर यूज़ किया इफ़ माई फादर गो टू मार्केट ही विल बाय बुक्स, अगर मेरे फादर मार्केट जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर विल गो आना चाहिए था, लेकिन हम हमेशा इफ़ के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करके लिखते हैं, और फादर सिंगुलर नंबर था इसलिए हमने गोज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बोर्ड में दोबारा आ गया है इस क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं हमें वर्ड बी
वर्ब बी को फिल करना है। बी की पांच फॉर्म्स होती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, लेकिन जब यह हैज हैव के साथ आता है तो अभी हमने आपको बताया था कि इसको हम बीन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आया है यहाँ पर आप आई एम अ गुड स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ टेंस की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। यहाँ तक कि आप आई शैल भी अ गुड स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि आई एम अ गुड स्टूडेंट यहाँ पर बेटर लिंकिंग वर्ब होगी। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जब आप इज, आर, एम, वॉज, वर को बिना मेन वर्ब के यूज़ करते हैं। महात्मा गांधी ब्लैंक शूट डैड, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने मारा या महात्मा गांधी को शूट किया गया, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी तो अहिंसा में बिलीव करते थे, तो महात्मा गांधी तो किसी को शूट करेंगे नहीं, तो महात्मा गांधी के साथ को लग गया। तो जब हमारे इस बिगिनिंग में लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के साथ को लग जाता है तो यानी वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होने पर हम रिक्वायर्ड टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो महात्मा गांधी को मारा तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट ये हिस्ट्री हुई, तो उसको हमने वॉज शॉर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, आप हमारे अगले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसी सर्टेन वर्ब्स है जिसमें आप लोग गलतियां करते हैं, और एग्जामिनेशन में सिर्फ स्पेलिंग सही ना चूज कर पाने की वजह से, जबकि हमें टेंस पता होता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसे ही वर्ब्स का सेट हम आपको अपने अगले प्रैक्टिस सेट में याद कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हुआ महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर आया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेज, और हम देखेंगे इस एग्जांपल नंबर 14 में, ही केम आफ्टर हिज मदर हैड गोन। तो यहाँ पर गो लिखा था, तो हमेशा याद रखिए आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट दिया है, ठीक है, और अगर यहाँ बिफोर होता तो ये पलट जाता, हैड बिगिनिंग में आता और सेकेंड फॉर्म बाद में आती। तो आफ्टर और बिफोर के संदर्भ में के रिगार्डिंग आप ये बात समझ लीजिए कि अगर बीच में आफ्टर आया है और पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद में पास्ट परफेक्ट ही लगेगा। डू नॉट गो अंटिल योर फादर कम्स, तो हम आपको बता दें जैसे कि इफ और वैन के बाद हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर कोई भी सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव से शुरू हुआ है, तो इसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाएं, जबकि बीच में अंटिल दे रखा हो। और अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू में दे रखा है और आपको लग रहा है काम जारी है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं, लेकिन जब टिल और अंटिल दे रखा हो तो आप कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 16 को। इसके अंदर लिखा है एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग, तो जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए कि आज सुबह 6 बजे, तो उसके अंदर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे, क्योंकि आम तौर से ऐसा बोला जा सकता है कि आज सुबह 6 बजे वह खेल रहे हैं, तो जिस समय भी आप ये बता रहे हो तो वह काम कंटिन्यू उस समय चल रहा है, कोई भी देख सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग आप हमेशा वर्क के होने के बाद करते हो, इसलिए यहाँ पर इस तरह से जब कोई बिना यस्टरडे टुडे लगाए समय दे दिया जाए तो आप वॉज के साथ कंटिन्यूअस करते हो। तो इस तरह की एक्सप्रेशन में स्पेशली दिस मॉर्निंग एट 6 o'clock आपको पास्ट कंटिन्यूअस फिल करना है। द होल ग्रुप वॉज एबसेंट, यहाँ पर आप इज एबसेंट भी कर सकते हो, विल बी एबसेंट भी कर सकते हो, और विल लगाओगे तो बी एज इट इज आएगा, नहीं तो आप इज, आर, एम, वॉज, वर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कर सकते हो। द होल ग्रुप सिंगुलर नाउन माना जाएगा, इसलिए आपने बी का यहाँ पर वॉज कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर, इसमें है यू ऑट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ऑट एक मॉडल है और ऑट के बाद टू लगना बहुत ज़रूरी होता है, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ऑट के बाद टू आपने खुद से लगाना है। जब भी कभी आपको ओ दैट या वुड दैट जोड़ करके आ जाए और आपको बी दे रखा हो तो आप वर लगा दें, ओ दैट आई वर, ये अगेन आ गया है, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है जो कि हमें लिखना होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ओ दैट आई वर रिच अगेन, मैं दोबारा से मालदार हो जाऊँ, यंग अगेन, इस तरह की कोई भी बात आप लिख लेंगे। तो जब हम वर लगाते हैं तो वर का मतलब होता है
कि फ्यूचर में हम उम्मीद करें कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन जब हम हैड बीन लगाते हैं तो वो पास्ट होता है और उसका मतलब होता है कि वह मालदार हो जाता। दोनों ही एक्सप्रेशन सही हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वर का यूज़ करें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचेंगे कि वर का यूज़ क्यों किया जाए, वर का यूज़ क्यों किया जाए, आई के साथ तो वर नहीं वॉज आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ वॉज पास्ट की घटना में आता है, वर को कल्पना में यूज़ किया जाता है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने क्या करना होता है, आपने हमेशा वर ही यूज़ करना होता है। वर आपको आई के साथ यूज़ करना है और आपको लिखना है ओ दैट आई वर रिच अगेन, मैं दोबारा मालदार हो जाऊँ। ओ दैट की जगह वुड दैट भी हो सकता है। इसके बाद जब भी कभी आपको इस तरह से इन लिख करके कोई पास्ट की डेट आ जाए तो आप पास्ट इनडेफिनिट ही बनाएंगे, और अगर फ्यूचर की आ जाए तो आप विल के साथ फर्स्ट फॉर्म करेंगे। मुकेश बॉट हिज हाउस इन 1990। और हम आपको बता दें, जब भी आपको यस्टरडे, एगो, लास्ट जैसे वर्ड्स आ जाएं, हालांकि इनके साथ पास्ट कंटिन्यूअस भी सही रहता है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप पास्ट इनडेफिनिट का ही यूज़ करें। इसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर 21, शी विल नॉट प्ले फुटबॉल एज ही डैश इल, तो बी की फॉर्म इज यूज करेंगे। आप वॉज भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि पहला पार्ट फ्यूचर था, तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 22 पर, देयर अ फुटबॉल मैच, तो बी के लिए इज आर एम वॉज वर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट फुटबॉल मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर लगेगा, तो हमने तीनों ही यहाँ पर फिल कर दी हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको कोई एक इनमें से फिल करनी है। देयर इज अ फुटबॉल मैच, देयर वॉज अ फुटबॉल मैच, देयर विल बी अ फुटबॉल मैच, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे, टूडे, टुमारो कोई टेंस स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए हमने कोई भी एक यूज कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको कुछ स्पेशल रूल्स बताते चलें जल्दी जल्दी। स्पेशल रूल्स हैं इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सून एज, नो सूनर के साथ जब भी आप आगे टेंस का यूज करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट के जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, और सेकंड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट ही आता है। आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट पहले लिखकर इफ प्लस इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेकंड पार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा रूल आपने ये याद करना है कि ही सेड या ही आस्क के बाद, सेड के बाद दैट आता है, आस्क के बाद क्वेश्चन वर्ड आता है, या वेदर आता है, या इफ आता है के बाद, अगर यह पार्ट आपका पास्ट में है तो आपको प्रेजेंट को पास्ट में, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में लिख देना होता है। मान लीजिए हमने कहा वह बोला कि रवि आएगा, तो रवि आएगा, रवि विल कम होगा, तो इस सेट की वजह से ही सेड दैट रवि वुड कम हो जाएगा। उसने कहा कि वह आया है, तो ही सेड दैट ही हैज कम, तो हैज का हैड हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड कम, तो ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट आने पर बीच में अगर बिफोर लगता है तो दूसरे पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट परफेक्ट आया है बीच में बिफोर लगा है तो दूसरे पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आया है तो बिफोर के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। इसे आप दूसरे इस पार्ट में देखें, अगर ये इंडेफिनिट वाले पार्ट पहले लिखे हैं तो बीच में आफ्टर आएंगे और बाद में सब में परफेक्ट लगेंगे। इट मींस अगर ये पार्ट पहले आ गया तो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट बाद में चला जाएगा, तो अगर इंडेफिनिट पार्ट शुरू में आता है तो फिर आपका मिड वर्ड जो है, जो कंजंक्शन है, वो आफ्टर लगता है, और परफेक्ट पहले आने पर बिफोर लगता है। तो आप इनको पहचान याद रख सकते हैं कि आफ्टर के बाद परफेक्ट आता है और बिफोर के बाद इंडेफिनिट आता है। ये ऐसे याद रख सकते हैं, बिफोर से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या कोई सा भी बाद के पार्ट को देख करके आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको एक जगह ही वर्ब फिल करनी होती है, तो दूसरे पार्ट से आप पहचान लें। अगर इंडेफिनिट है तो उस टेंस का परफेक्ट, और परफेक्ट है तो इंडेफिनिट। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट के दूसरे पार्ट के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। ये लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चन पर बेस्ड है जो कि बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्लास 10th के ग्रामर के स्टूडेंट्स अपने वर्ब फिलिंग के इस सेट को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इस अगर पर्टिकुलर यही क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कुछ वर्ड्स बदल कर यही सेम बातें पूछी जाती हैं, एंड आई होप कि आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा लेक्चर पसंद आता है और इस तरह के लेक्चर्स आप लगातार देखना चाहते हैं अपने सभी टॉपिक्स पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर ये लेक्चर पसंद आता है, सेट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।